अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, मैं हूं मलक फ़िज़ान और आप देख रहे हैं मनपसंद यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर बुक्स इन्फो। जी फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए आज बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर आए हैं। रिसीवर में एक फॉल्ट आता है जिसकी वजह से आप दोस्तों के पास किसी भी सैटेलाइट के पूरे चैनल रिसीव नहीं होते। तो आज हम बताएँगे वो रिसीवर में कौन सा फॉल्ट होता है, किस पुर्जे की वजह से आपके पास कंप्लीट चैनल रिसीव नहीं होते। तो आज दोस्तों को इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करेंगे, काफ़ी फॉल्ट बताएंगे जिसकी वजह से आपके रिसीवर में ये मसला आ सकता है। तो दोस्तों, आप दोस्तों के सामने नज़र आ रहा है कि दो अली पेंतीदा सी वाले और एक गो टू वाला रिसीवर पड़ा है। इन मॉडलों में एक ये खुला पड़ा है, इन मॉडलों में ये फॉल्ट आता है जिसकी वजह से आपके पास कंप्लीट चैनल रिसीव नहीं होते। तो दोस्तों, ये मेरे पास 8 गन पड़ी है और इसके ज़रिए मैं वो आईसी उतारता हूँ और वो लगाता हूँ और वो मैं आपको आज तरीका कंप्लीट बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें कि आपको हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है मिलता रहे। क्योंकि आपको पता है हमारे इस चैनल पे रिसीवरों के सॉफ्टवेयर की वीडियो भी होती है और इसमें आज के बाद इंशाल्लाह रिपेयरिंग की भी सिखाई जाएगी और डिश की कंप्लीट इसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सा फॉल्ट है जिसकी वजह से आप दोस्त परेशान होते हैं, आपके पास वो चैनल काफ़ी चैनल रिसीव नहीं होते। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, मैं रिसीवर की तरफ आ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास बोर्ड है, ये पहले ही रिपेयरिंग बोर्ड है। मसलन इसके जो ये ब्रेक आईसी हैं वो इसके मैंने नए डाले हुए हैं। तो इसका नाम है अली पेंतीदा CS15073, इसका कोड है। तो मैं आपको बताता हूँ कोई वो कौन सा फॉल्ट है जिसकी वजह से आपके पास कंप्लीट चैनल रिसीव नहीं होते। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ, इस बार को मैं ऑफ कर लेता हूँ। ये वाला जो है ना आईसी, ये वाला कैपेसिटर इसे बोलते हैं, ये लगा हुआ है। ये अगर आपका ख़राब हो जाता है तो फिर भी आपके एच या वी में कंप्लीट चैनल नहीं आते। अगर आप ये चेंज करेंगे तो आपके पास चैनल कंप्लीट रिसीव हो जाएंगे। और भी फॉल्ट हैं जिसकी वजह से कंप्लीट चैनल नहीं आते। यहाँ पे देखें, ये छोटे छोटे आईसी लगे होते हैं, ये R1 वाले, इसके ऊपर भी अगर आप ये आईसी चेंज करें तो आपका चैनल कंप्लीट हो सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आप दिखाता हूँ, ये सप्लाई की चिप लगी हुई है, 15 ग्राउंड होते हैं। अगर आपके 15 वाले बोल्ड ना आए तो फिर भी आपके रिसीवर में कंप्लीट चैनल नहीं आएंगे। तो बिल्कुल यही इसमें मसला आ सकता है और कोई मसला नहीं होता जिसकी वजह से आपका जो रिसीवर है उसके ऊपर या एच के या वी के चैनल कंप्लीट नहीं आते। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखना।